कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला, कहा विपक्ष मीडिया की दबाई जा रही है आवाज। मोदी सरकार के तानाशाही तौर तरीकों और मीडिया को सताना जैसे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में कांग्रेस आगे रहकर संघर्ष कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी पर सोनिया गांधी ने किया सीधा वार, न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे को बताया ड्रामेबाजी। मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे उनके वादे, सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी और वो हथियाने के साथ। आज कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का दूसरा और आखिरी दिन है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण होगा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का समापन भाषण होगा। आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब में पार्टी को बिखरने से बचाने की चुनौती, पंजाब प्रभारी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधायकों को बुलाया है दिल्ली। शाम 5 बजे होगी सिसोदिया के घर पर पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक, मजीठिया से माफीनामे को लेकर घिरे अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। कंवर सिंधु ने सिसोदिया की बैठक से किनारा किया, नहीं आएंगे दिल्ली, कहा जिसे बात करनी है वो खुद आए चंडीगढ़। सुखपाल सिंह खेरा इस बात से नाराज, ना तो सिसोदिया ने और ना ही केजरीवाल ने माफीनामे को लेकर पार्टी को विश्वास में लिया। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक एचएस फुलका नाराज विधायकों को बनाने में जुटे, मीटिंग में आने के लिए रजामंदी की कोशिश। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आंध्र के बीजेपी नेताओं से मुलाकात, राम माधव भी शामिल हुए। बैठक में फैसला, सेंट्रल बीजेपी और स्टेट बीजेपी के बीच में समन्वय देखेंगे राम माधव, प्रदेश स्तर पर संगठन के फैसलों में भी बड़ी भूमिका। आंध्र प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की पहल, अप्रैल में अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक विशाखापट्टनम में। अमित शाह से मुलाकात के बाद आंध्र में बीजेपी नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू को घेरा, कहा उन्होंने लोगों के बीच एनडीए की नेगेटिव छवि बनाई है। बिहार के दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पार्टी के अंदर ही दो राय, सुशील मोदी ने जमीनी विवाद तो बताया था हत्या की वजह। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह ने कहा नरेंद्र मोदी चौक नाम रखने के कारण हुआ कत्ल, सुशील मोदी को दी गई गलत जानकारी। जो एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान ग्राउंड जीरो से दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखता है और ये सरकार को भी धोखा में रखने का काम किया है। भागलपुर में जुलूस के दौरान पथराव से 2 लोग घायल हुए, स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे की अगुवाई में निकाला जा रहा था जुलूस। बिहार के सुपौल में बीडीओ की दबंग गई, दलित महिला प्रखंड प्रमुख को कहा अनपढ़, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल। आज से शुरू हो गया चैत्र नवरात्र, पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की पूजा। नवरात्र के लिए वैष्णो देवी मंदिर में खास तैयारियां, बड़ी तादाद में दर्शनों के लिए आते हैं श्रद्धालु। शक्ति की उपासना के इस महापर्व के लिए मध्य प्रदेश के त्रिकुटवासिनी मां शारदा की नगरी में रौनक, दूर दूर से आते हैं भक्त। मुंबई के मुम्मा देवी मंदिर में भी नवरात्र की धूम, विधि विधान से की गई पूजा। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में आरती, चैत्र नवरात्र से ही हिंदुओं के नए वर्ष की शुरुआत। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।